फरीदाबाद में नाबालिग नौकरानी के साथ मारपीट और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले कथित नेता अशोक गोयल उर्फ अशोक कालिया को पुलिस ने काबू कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पिछले 5 दिनों से फरार चल रहा था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपित का मेडिकल चेकअप सिविल अस्पताल में कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपित अपने ऊंचे रसूख के चलते अभी तक बच रहा था। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऊंची रसूख के आरोपित को गिरफ्तार करवाकर अपना फर्ज निभाया है। बताते चले कि आरोपी के खिलाफ महिला थाना सेक्टर 16 में आईपीसी की धारा 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।